नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान काशी में विपक्ष की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई वो आज लाभार्थियों का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 12,110 करोड़ रुपए की लागत से 29 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई वो आज लाभार्थियों का नाम सुनकर तिलमिलाते हुए दिखते हैं। हम सभी के हृदय की भावनाएं हैं इस अंग व्रस्त में जो हमारी परंपराओं हमारी रवायात का प्रतीक है। ये स्मृति चिन्ह हम सभी के हृदय की भावनाएं आदर। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हरेक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं।